बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर बिगनिंग ऑफ ए न्यू लाइफ का सेकेंड पार्ट। तो उसके क्रिएटिव कॉर्नर में बच्चों, यहाँ पर एक पजल दी गई है जो डेविड के स्कूल के पहले दिन के बारे में है कि किस तरह से वो लोगों किन किन लोगों से मिला। तो आपको इस पजल में उन पीपल के नेम्स को सर्कल करना है कि वो किन किन लोगों से मिल सकता है जो एक स्कूल से रिलेटेड है, जैसे कि प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, लाइब्रेरियन, स्वीपर। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे नेम इसमें छुपे हुए हैं जो आपको फाइंड करके सर्कल करना है स्पेलिंग्स को। तो आइए अब इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। ये लेसन जो है डेविड कॉपरफील्ड की बायोग्राफी का ही हिस्सा है और इस लेसन में उन्होंने अपने बारे में, आगे की लाइफ के बारे में बताया है कि किस तरह से उन्होंने अपनी एजुकेशन की जर्नी को स्टार्ट किया। तो मिस्टर डिक और वो जल्दी ही अच्छे दोस्त बन चुके थे जो राइटर हैं, और वो अक्सर पतंग उड़ाते थे साथ में और एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आ गए थे और आंट बेट्सी के भी नजदीक आ चुके थे। अब डेविड जो थे एक शाम को उनसे कह रहे थे कि वी मस्ट नॉट फॉरगेट योर एजुकेशन, कि हमें तुम्हारी एजुकेशन के बारे को नहीं भूलना चाहिए। एंड आफ्टर ए पॉज, एक सेकेंड रुक करके वो बोली कि पूछा उन्होंने डिक से, डेविड से, कि विल यू बी हैप्पी इफ आई सेंड यू टू स्कूल इन कैंटरबरी, कि क्या तुम्हें सही लगेगा यदि हम तुम्हें कैंटरबरी में स्कूल में भेज। तो लेखक ने जवाब दिया कि हाँ, कि वो खुश होगा और वो उसके घर के पास भी होगा। तो इस तरह से उन्होंने डिसाइडेड किया, 2 दिन बाद वो कैंटरबरी जाएंगे। तो उन्होंने वहां से छोड़ा तो उनके आंट ने उन्हें बताया कि वहां पर वो मिस्टर विकफील्ड के यहाँ पहले जाएंगे जो उनके पुराने दोस्त हैं, और वो एक लॉयर थे और वो स्टेट के बिजनेस करते हैं, यानी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, और वो उस देश में एक अच्छे रेपुटेड पर्सन है। उसके बाद जब वो मिस्टर विकफील्ड के ऑफिस में पहुंचे तो वहां पर उनका स्वागत किया गया, एक आदमी ने स्वागत किया जिनका नाम था यूरिया हीप। तो उन्होंने उनको गाइड किया कि उनका कमरा कहाँ है, और वहां पर वो मिस्टर विकफील्ड थे, मिस्टर विकफील्ड वहां पर बैठे हुए थे। तो ठीक है मिस ट्रॉटवुड, व्हाट ब्रिंग्स यू, कि आप यहाँ किस लिए आए हैं, तो मिस्टर विकफील्ड ने उनसे पूछा। तो उनके आंट ने बोला कि मैं अपने भतीजे के एडॉप्शन पेपर बनाने आई हूँ जो डेविड है यहाँ पर, इनफैक्ट वो मेरा ग्रैंड नेफ्यू है और मैं उसका यहाँ पर स्कूल में, कैंटबरी में स्कूल में उसको एडमिशन कराना चाहती हूँ, वेयर डेविड कुड बी टॉट वेल एंड ट्रीटेड वेल, जहाँ पर वो अच्छी तरह से उसकी पढ़ाई हो और जहाँ पर उसका अच्छी तरह से इलाज किया जाए। तो मिस्टर विकफील्ड ने एक सेकेंड सोचा और बोला कि बेस्ट स्कूल जो है उनके डिस्ट्रिक्ट में, वो उनके वहां पर बोर्डर्स के लिए, मतलब रूम नहीं है रुकने के लिए, तो यदि तुम चाहो तो उन्हें उनके पास छोड़ सकती हो जब तक उनके रहने का इंतजाम नहीं हो जाता। तो मिस्टर विकफील्ड कॉल्ड फॉर हिज हाउसकीपर, मिस्टर विकफील्ड ने अपने हाउसकीपर को बुलाया जो कि एक छोटी सी गर्ल थी उनके एज की, और मिस्टर विकफील्ड ने उनको बताया कि इसका नाम जो है वो एग्नेस है जो कि उनकी बेटी थी। बाद में एग्नेस ने उन्हें बताया कि वो जो थी उसकी भी मम्मा की डेथ हो चुकी थी जब वो पैदा हुई थी। तो एग्नेस ने अपनी ड्यूटी समझा कि उस टू स्टे एट होम, घर पर रहना और अपने फादर के लिए घर की देखभाल करना। तो जब उसकी आंट ने छोड़ने का तय करा तो वो बोली कि ठीक है डेविड, अब हम मतलब यहाँ पर उनसे कुछ बुरा नहीं कहना, निर्दयी नहीं होना, झूठ मत बोलना, ये 3 चीजों को तुम ध्यान रखना और हमेशा तुम्हारे होपफुल ऑफ यू की। तो उन्होंने उनसे वादा किया और बोला कि मेरे शब्दों को ध्यान रखेंगे। एंड आंट बेट्सी ने उनको गले लगाया और वहां से चली गई, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और फिर शी शट द डोर बिहाइंड हर। मिस्टर विकफील्ड का घर जो था बहुत ही सुंदर था, बहुत ही शांत था। शाम के खाने के बाद एग्नेस उनके साथ पियानो बजाती थी और वो देख सकते थे कि वो अपने फादर के प्रति कितनी समर्पित थी। तो अगले दिन सुबह मिस्टर विकफील्ड उनको नए स्कूल ले गए और जहाँ उन्हें डॉक्टर स्ट्रॉन्ग से मिलवाया गया जो कि उस स्कूल के हेडमास्टर थे। हेड बॉय एडम्स शोट, उन्होंने वहां पर उसको चारों तरफ दिखाया और उसको मास्टर से इंट्रोड्यूस करवाया। वो बहुत ही कंफर्टेबल थे और बहुत ही जिज्ञासु भी थे कि अलग अलग चीजों के सीखने के बारे में, और वो दूसरे लड़कों से और अपने बारे में एक्सपीरियंस शेयर करने के बारे में बहुत ही एक्साइटेड थे। तो उस शाम को मिस्टर विकफील्ड ने दोबारा से उनसे पूछा कि मुझे लगता है कि आई शुड लाइक टू स्टे ऑन विद देम, कि उन्होंने बताया कि आई वुड लाइक दैट वेरी मच, कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो स्कूल के रास्ते में सुबह में वो फॉलो करता गया एंड आई एनकाउंटर्ड यूरी हिप, उन्होंने उनसे उनका सामना किया, स्वीपिंग द स्टेप्स आउटसाइड, उनका साथ दिया घर के झाड़ू लगाने में। गुड मॉर्निंग मास्टर कॉपरफील्ड, आई ट्रस्ट यू विल हैव ए गुड डे एट स्कूल, वो स्कूल गया और फिर उनको बताया कि उनका स्कूल का पहला दिन
बहुत अच्छा था। तो थैंक यू री, एंड आई होप यू विल हैव ए गुड डे विद योर स्टडीज इन लॉ। तो कहते हैं कि मुझे खुशी होगी, मतलब आई होप, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे लॉ की पढ़ाई भी अच्छी चलेगी तो और तुम एक बहुत अच्छे लॉयर बनोगे। तो मी मास्टर कॉपरफील्ड, नो आई एम वेरी हम्बल पर्सन, आई एम वेल अवेयर, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं अम्बलेस पर्सन गोइंग, कि मैं अच्छा आदमी बनने जा रहा हूँ। लेट द अदर बी वेयर ही मे। तो लाइक वाइज मेरी माँ जो थी वो एक बहुत ही हम्बल पर्सन थी, एंड वी लिव इन हम्बल अबोड और मास्टर कॉपरफील्ड, लेकिन है मच उनका वो बहुत ज्यादा थैंक यू करते हैं। एंड हैव यू बीन विद मिस्टर विकफील्ड लॉन्ग, उन्होंने पूछा कि गोइंग ऑन 4 ईयर, मास्टर कॉपरफील्ड जो है सिंस ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ माई फादर, कि मेरे पिता की एक मृत्यु के 1 साल बाद तक मैं उनके साथ रहा। तो दैट डे आई रीच स्कूल क्वाइट अर्ली, वो बहुत जल्दी स्कूल पहुंच गए थे, और 2 हफ्तों में आई वॉज वेरी कंटेंटेड देयर, और आई वॉज उनके गेम में उनको किसी में स्किल नहीं थी, एंड क्वाइट बैकवर्ड इन दर स्टडीज, और अपनी पढ़ाई में भी वो बहुत ही पीछे थे, लेकिन प्रैक्टिस वुड इम्प्रूव मी इन फर्स्ट, प्रैक्टिस करने से वो इम्प्रूव हुए और उन्होंने उम्मीद बढ़ी सेकेंड, एंड हार्ड वर्क इन द सेकेंड, और फिर उन्होंने कड़ी मेहनत की और फॉर्चुनेटली उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया। और एवरी थर्ड और फोर्थ वीक वो अपनी आंट बेसी से जॉनी इन डोवर में मिलने जाते थे, और अल्टरनेट वीक वेडनेसडे को मिस्टर डिक उनसे मिलने आते थे। तो मिस्टर डिक जो थे वो उनसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के बहुत ही फ्रेंड बन गए थे, और ही बिकेम ए पॉपुलर फिगर एट स्कूल। तो विकफील्ड के जीवन, विकफील्ड का जो घर था वो बहुत ही क्वाइट और पीसफुल था, बहुत आराम था वहां पर। हेनरी बिकेम मोर ऑफ ए सिस्टर टू बी, एंड वो लेखक की बहुत ही अच्छी दो बहन जैसी बन गई थी। इवन आंट बेट्सी जो थी वो भी कुड हैव एवर इमेजिन कि उनका जीवन जो है कैडबरी में वो इतना खुशनुमा और फ्रूटफुल हो जाएगा। तो बच्चों, इस स्टोरी से क्या मोरल सीखने को मिलता है कि आफ्टर ए बैड पीरियड ऑफ टाइम गुड डेज ऑल्सो कम, कि हमेशा लाइफ में खराब दिनों के बाद एक अच्छा समय जरूर आता है। थैंक यू।